अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान भवन PCMSED कॉलेज फॉर वेमेन जालंधर द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार की शुरुआत में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर किरण अरोड़ा ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत कर उन्हें हरे पौधे प्रदान किए। इस मौके पर राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रोफेसर तृप्ता हांडा ने मानवाधिकारों पर आए हुए लोगों और कॉलेज के छात्रों को संगोष्ठी का उद्देश्य समझाया। वहीं डॉक्टर अरविंदर कौर ने मानव अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन भी मानव अधिकारों की श्रेणी में आता है, इसलिए हम सभी को एकजुट होकर इसका समर्थन करना चाहिए। इस मौके पर अमनदीप मित्तल और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर किरण अरोड़ा को इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन उत्तर भारत राज्य के निदेशक व अध्यक्ष अमनदीप मित्तल ने इस आयोजन में विशेष योगदान दिया और छात्राओं के साथ मानव अधिकारों पर अपने विचार साझा किए। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, ठीक है बच्चों, जिन्हें भी बच्चे आज इतने बैठे हैं और मेरे दो शब्द जड़े अगर सुनने वास्ते तुसी ते जरूर इन्हां गल्लां नूं अपने दिमाग विच दिल विच बिठा के जाना, ठीक है। अज जिहड़े एरा विच असीं रह रहे हां, एक तां तुसीं देखदे हो कि असीं फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट उही चल रहा है, ठीक है। उहदे विच असीं फार्मर्स दा साथ देना है और उहदे विच जिहड़ी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिदे की प्रेजिडेंट मिस्टर अमनदीप मित्तल है जिन्होंने अज मैनू बुलाया और इतने सम्मानित किया है, वो हमेशा ही एक्टिव पार्टिसिपेशन और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रहती है। अधिकार संगठन ज्वाइन नहीं किया था, मेरे को ऐसा लगता था कि मार्केट में जो भी काम होता है हमें सिफारिश से करवाना पड़ता है, पुलिस का काम हो गया, पुलिस को जब तक हमारा कोई रिश्तेदार अच्छा कोई पौधे पर नहीं बैठा तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। आपको भी ऐसा लगता है ना, एग्री हो आप? लेकिन जब मानव अधिकार को मैंने ज्वाइन किया और इसके जो सिद्धांत है मैंने सीखे तो उसमें प्रॉपर मेरे को अवेयर हो गया कि हमारे सिद्धांत पहले से ही कानून में लिखे हुए हैं, कोई भी काम को करवाने के लिए हम खुद लायबल हैं, लेकिन उस सिद्धांतों का आपको पता ही नहीं है यूज कैसे करना है। ह्यूमन राइट्स का डे तो उसके बीच में जो समानता का अधिकार आता है मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि जो लेडीज को समान अधिकार देने चाहिए और मिल भी रहे हैं, लेडीज किसी भी जगह पे पीछे नहीं है, वो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रही हैं और मैं चाहूंगी कि इसको और ज्यादा से ज्यादा उनके जो फैसिलिटी है दी जाए, लेडीज को ज्यादा से ज्यादा उनको जो हक है उनके वो दिए जाए, उनके साथ कोई ऐसी मतलब करनी नहीं चाहिए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन कोई ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि हम जेंट्स से पुरुषों से पीछे हैं। इनर जो हमारे अंदर से जागृत करता है ये सिर्फ आसनों से रिलेटेड नहीं होता है, तो आपको योगा की तरफ जरूर जाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जब आप एक बार सीख लेते हो तो आप घर पर अपने आप को फिट कर सकते हो, तो जब आप फिट हो, कहते हैं ना कि एक लड़की ही सारे परिवार को, हम आगे जब चलते हैं तो लेडीज ही सारे परिवार को देखती हैं, तो जब हम फिट हैं तो हमारा परिवार फिट है। टुडे यू हैव हर्ड मैम डॉक्टर किरण अरोड़ा द प्रिंसिपल ऑफ द एसटी कॉलेज, मैम तृप्ता हांडा एसोसिएट प्रोफेसर HOD पॉलिटिकल साइंस एसडी कॉलेज एंड संदीप कौर मैम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सो द एजुकेशन ये शब्द जो है यहाँ पे आके यू आर गोइंग टू बी नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वी आर हैविंग नो वर्ड्स। इन शब्दों के इतने मायने हैं, इन शब्दों के बाद ही वकालत शुरू होती है, क्योंकि मैंने बी ब्रीफ एंड बी शॉर्ट इज ऑलवेज एडवाइस टू ए एडवोकेट एंड द पेपर विच वी यूज टू कीप इन अवर ब्रीफ दैट रिमाइंड्स अस दैट वी हैव टू बी शॉर्टन। आज हमारे कॉलेज के प्रांगण में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर उसका आयोजन हुआ है और हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो डायरेक्टर हैं श्री अमन मित्तल जी और उनके साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ए गुड नंबर ऑफ एडवोकेट्स वो भी शामिल हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी
कि जलंधर में PCMSG कॉलेज इज ए प्रिविलेज्ड कॉलेज इन द सेंस कि 2011 से हम ह्यूमन राइट्स का डिप्लोमा जो है वो हमने शुरू किया हुआ है एंड दिस डिप्लोमा इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पीछे उनके एग्जाम्स में जो टॉपर बच्चे थे उनको आज हमने अवार्ड भी दिया है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उन बच्चों को भी जो ह्यूमन राइट्स की स्टडी भी कर रहे थे डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे उनको उन्होंने इनक्रेज किया मोटिवेट किया अवार्ड ऑफ ऑनर देके मैं शुक्रगुजार हूँ श्री अमन मित्तल जी की जिन्होंने हमारे कॉलेज में इस स्पेसिफिक डे दैट इज 10th of December इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को सेलिब्रेट करने का हमें मौका प्रदान किया है। फॉर्मर डायरेक्टर पंजाब एग्रो पंजाब गवर्नमेंट चंडीगढ़ प्रेजेंट डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स साड़ी एक संस्था समाज सेवी NGO संस्था है जिड़ी कि लोक हित के जन कल्याण में काम कर अज असी SD कॉलेज जलंधर विखे प्रिंसीपल मैम किरण अरोड़ा जी जिड़े कि SD कॉलेज के प्रिंसीपल ने इन्होंने अज इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गनाइजेशंस नू बुला के बड़ा मान बख्शा। मेरे वालों संदेशा ये है कि सानू सारे नू मिल के काम करना चाहिदा है समाज लई लोक हित लई जन कल्याण क्योंकि जदों असीं सारे इकट्ठे होवांगे एक स्तंभ बनता है एक मुट्ठी बनती है। अज पांच उंगलां तो मतलब एक उंगल टुट जाए परिवार का एक मैंबर भी खत्म हो जाए तो साडा लक टुट जाता है। इस कारण मानव अधिकार का मतलब यह है कि लोक हित जन कल्याण लई काम करना। ह्यूमन राइट्स की है साढ़े जो असं बचपन पैदा होंगे ना उदो ही साढ़े अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं वो अधिकारा की रक्षा किमें की जाती है और सानू अवेयरनेस वक् वक् स्थावों तो असं अवेयरनेस आप भी होंगे तो लोगों अवेयरनेस करते रहे कहते चंगी चीज़ ना सीख लेनी चाहिए है। इस कारण अज इंटरनेशनल डे के उत्ते इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वो अच्छे भावनुत जेडे कि भावनुत का मतलब जेडे कि लोग विद्यार्थी चंगे समाज सेवा के नाल जुड़े लोग ने चाहे मीडिया लैन है चाहे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया स्कूल स्टूडेंट प्रशासन के अधिकारी तो लॉ के नाल प्रोफेसर लॉ के नाल जुड़े समाज सेवा वाले काम असं उन्होंने सारे अवार्ड।